ये हैं श्री हरिदास जी महाराज। श्री वृंदावन धाम में अत्यंत प्रसिद्ध संत हुए। इनका जन्म तो अलीगढ़ में हुआ था, हरिदासपुर गांव में, लेकिन वहाँ से ये वृंदावन आ गए और 25 वर्ष की अवस्था में ये विरक्त साधु हो गए थे। आसुधीर नाम के एक बहुत ही उच्च कोटि के सिद्ध महापुरुष उस समय वृंदावन में रहते थे। तब वृंदावन जंगल ही जंगल था। उन आसुधीर जी महाराज ने हरिदास जी की दीक्षा की थी और हरिदास जी पिछले जन्म के ललिता सखी थे, अर्थात ललिता सखी के अवतार थे। राधा रानी की 8 सखियों में ललिता का नाम बहुत ही प्रमुख है, इसलिए पूर्व जन्म की सिद्धि शक्ति सब इनके साथ थी। दीक्षा तो लेना मर्यादा था, इसलिए मर्यादा के अनुसार दीक्षा ले ली, किंतु उसके बाद तो लीला इनकी शुरू हो गई। राधा रानी और कृष्ण के प्रत्येक लीला में ललिता सखी का योग होता है, उसी तरह से निधिवन में विराजमान होकर के रास लीला में भगवान की सेवा में, राधा रानी की सेवा में लगे रहते थे। और लोग समझ नहीं पाते थे कि क्या करते रहते हैं, क्या बोलते रहते हैं, किसको देखते रहते हैं। तो इन्हीं के एक शिष्य हुए बाद में विठल विपुल देव जी। और विठल विपुल देव जी ने बहुत ही भाव से एक दिन प्रार्थना किया कि गुरुदेव, आप जिस आनंद को पाते रहते हैं, हंसते रहते हैं, कभी आंखों में आंसू भी आ जाती है, कभी भाव विभोर पुलकित हो जाते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ कहते हैं, वो सब हम लोग समझ नहीं पाते हैं। इतना तो अनुमान होता है कि आप भगवान का दर्शन करते हैं, लेकिन आप क्या दर्शन करते हैं, कृपा करके हमें बताइए। विठल विपुल देव जी को पात्र समझ करके उन्होंने दर्शन कराया भगवान के रास का, सेवा भी करवाया। फिर उन्होंने एक दिन प्रार्थना किया कि आपके शरीर तक ही ये लोग समझ पा रहे हैं, बाद में अब कुछ हम चाहते हैं कि आपकी प्रसादी यहाँ हो, जो बाद में भी लोग उसका लाभ प्राप्त कर सकें। तब उन्होंने कहा, जाओ आगे जो महल देख रहे हो, इसी में से ठाकुर जी से ही कहो कि वो आ करके सर्वसुलभ रूप में दर्शन दें। तो विठल विपुल देव जी उठा के लाए भगवान को और भगवान श्री विग्रह रूप हो गए और उन्हीं का नाम बांके बिहारी है। बांके बिहारी का वास्तविक नाम निकुंज बिहारी है, भक्तों ने बांके बिहारी नाम रख दिया प्रेम के कारण। और ये एक समझने की बात है कि बांके बिहारी उस समय वृंदावन में जंगल में थे, लेकिन बड़ा विशाल भंडारा रोजाना उनका होता था। कैसे होता था? उनके चरणों में प्रातःकाल जगने पर 12 स्वर्ण मोहरें प्राप्त होती थी, प्रतिदिन प्राप्त होती थी। वो 12 सोने की मोहरें लेकर के एक संत मथुरा जाते थे, रोजाना जाते थे, और बैलगाड़ियों में भंडारे का सामान भर भर के लाते थे। 12 स्वर्ण मोहरे का तात्पर्य हो गया 3-4 लाख रुपए। तो इतना रोजाना राशन आता था और बड़ा विशाल भंडारा रोजाना होता था। उसमें साधु विरक्त बहुत होते थे पाने वाले, गरीब संस्कारी ब्राह्मण लोग, भिखारी लोग, विकलांग लोग, उसके बाद मोर, बंदर, गाय, तो अत्यंत विशाल भंडारा रोजाना हुआ करता था। एक दिन बांके बिहारी जी ने हरिदास जी से कहा कि आप तो प्रसाद पाते नहीं हो। तो वो हाथ जोड़ के बोले कि प्रभु, इतना सुंदर भोग प्रसाद तो आपको ही शोभा देता है, हम तो साधु हैं विरक्त। वो केवल उबले हुए या भीगे हुए चने ही खाते थे। फिर दोबारा जब भगवान ने कहा, तब वो उबला चना, भीगो चना छोड़ करके आटा को गूंद करके और गाय के उपले कंडे में, अंगा बाटी बोलते हैं यहाँ पर, मोटी मोटी रोटी समझिए, वो बना लेते थे और वो भी भोग लगता था बांके बिहारी को, और हरिदास जी महाराज वही पाते थे। नित्य लीला में वो लगे रहते थे, तमाम प्रकार की लीलाएं होती रहती थी भगवान के, उन सब में जुड़े रहते थे। अब उनका चरित्र तो अत्यंत विस्तृत है, लेकिन छोटी छोटी कुछ कुछ घटनाएँ संक्षेप में सुनाई जाएंगी। जैसे एक व्यक्ति आया
बहुत कीमती सेंट लेके आया था वो, और वो जब सेंट की बोतल उसने दिया तो तुरंत ही हरिदास जी महाराज ने, उस समय यमुना जी किनारे बैठे थे, सारा सेंट जो अत्यंत कीमती था गिरा दिया बालू में, जोर से फेंक दिया। वो बेचारा बड़ा दुखी हो गया, अत्यंत दुखी हो गया। बोले अच्छा जाओ तुम निधिवन और वहाँ बांके बिहारी का दर्शन करके आओ। तो वो जब निधिवन गया तो उसने देखा कि बांके बिहारी की सारी पोशाक उसी सेंट से भीगी हुई है और इतनी खुशबू हो रही है कि पूरा निधिवन खुशबू से व्याप्त हो रहा है। फिर वो समझ गया कि वो सेंट तो इनके ऊपर पड़ा है, मैं समझ रहा था बालू में फेंक दिए। फिर रोता हुआ गया वापस और क्षमा मांगा। फिर प्रार्थना करके ये जानना चाहा कि सेंट तो आपने बालू में फेंका था, बिहारी जी के पोशाक पर कैसे पहुंच गया। बोले अच्छा नहीं समझ में आ रहा तो सुन ले, श्यामा श्याम की होली चल रही थी, श्यामा जी की तरफ जो कमोरी थी, रंग की बाल्टी थी, पिचकारी थी, सब खाली हो गई थी। और श्यामा जी घबरा गई कि बिहारी जी मजबूत पड़ रहे हैं, उनके पास रंग बहुत है, मैं अब क्या डालूं। उसी समय मैंने तेरा लाया हुआ जो इत्र था सब उनके लोटे में डाल दिया और उन्होंने लोटा उठा करके झट से फेंक दिया बिहारी जी के ऊपर, और वो पूरा का पूरा सेंट उनके ऊपर पड़ गया। जब लीला का विस्तार से वर्णन सुना, हमने तो आपको संक्षेप में सुनाया है, तब वो भक्त हो गया, बहुत धनवान व्यक्ति था और व्रजवास वृंदावनवास उसको प्राप्त हो गया। श्री हरिदास जी महाराज कभी कभी कोई सिद्ध पुरुष आते थे उनका परीक्षा लेने के लिए, तो उस परीक्षा के अनुसार वे कार्य कर देते थे। और वो जो ऐसा कोई आता था जिज्ञासु कौतूहल बस उनको परेशान करता था, उसको भी संत बना देते थे और वो प्रायश्चित करता था। ऐसी भी बहुत सारी लीलाएँ हैं। भक्तों, आप लोगों ने सुना होगा, महाराज हरिदास जी के दो शिष्य बड़े प्रसिद्ध संगीतज्ञ हुए, बैजू बाबरा और तानसेन जी। बैजू बाबरा ने तो हट कर लिया कि मुझे आदेश करिए कि मैं दक्षिणा में आपको क्या दूँ। बोले अच्छा ऐसी इच्छा है तो दक्षिणा में गोपाल को ले आ। क्या श्रद्धा भाव और शक्ति भक्ति थी उनकी कि बैजू बाबरा जा करके एक कोने में बैठ करके तानपुरा लेकर के और गायन शुरू किए, और सुबह होने के पहले ठाकुर जी उनके पास आकर खड़े हो गए, उनका हाथ पकड़ करके गुरु जी के पास लाए, बोले प्रभु गुरुदेव ये दक्षिणा लीजिए। ऐसे शिष्य थे उनके बैजू बाबरा। तानसेन जी महाराज पहले शिष्य जब नहीं बने थे, तब ये एक राजा के दरबार में बहुत अच्छे गायक थे और दूसरे गायक लोग उतने नहीं अच्छे थे तो वो चिढ़ते थे। तो उन लोगों ने तानसेन को मरवाने के लिए एक दिन राजा के कान भरे कि ये दीपक राग इससे गवाओ, तब आप इसकी शक्ति को देख पाओगे। तानसेन को पता था कि दीपक राग गाने में उनका कलेजा जल जाएगा और वो बचेंगे नहीं। उन्होंने राजा को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन राजा ने समझा कि यह बहाना कर रहा है, इसलिए राजा एक नहीं सुना और उसने कहा नहीं मैं तुमसे दीपक राग सुनूंगा। राजा के हट के कारण तानसेन जी ने दीपक राग गाया, दीपक तो जल उठा किंतु उनका कलेजा जल गया और रोते चिल्लाते हाय मरा हाय बचाओ हाय मरा ऐसे चिल्लाते हुए जाकर एक जंगल में गिर गए। तब वहाँ भगवान की कृपा से भीलनी के रूप में राग रागिनी ही आई, उन्होंने थोड़ा सा मेघमलार गा के कुछ शांति दिया, लेकिन पूरी शांति नहीं मिल पाई थी। उन्होंने कहा तानसेन तुम अपना जीवन बचाना चाहते हो तो तुम वृंदावन चले जाओ और वहाँ जा करके स्वामी हरिदास जी के चरणों में पड़ जाओ, उनके शिष्य बन जाओ, उनको सब राग रागिनी सिद्ध हैं। तब वो आए और हरिदास जी महाराज ने मेघमलार गाया, उनका सारा दुख दूर हुआ और शिष्य भी बना लिया। बाद में वो अकबर के दरबार के गायक हो गए तानसेन जी, और तानसेन जी का सुन करके गायन अकबर बड़ा खुश होता था। लेकिन एक दिन तानसेन ने बता दिया कि मैं अपने गुरुदेव के सम्मुख कुछ भी नहीं हूँ, इतना सुंदर वो गाते। तब वो तानसेन से हट कर लिया कि मुझे दर्शन कराओ,
बोले बादशाहियत की शान से नहीं पहुंच पाओगे, वहाँ तो एक छोटा सा आदमी बनकर, मेरा सेवक बन के चलो तो भले पहुंच जाओ। कितना गुणग्राही था अकबर कि कंधे पर तानसेन का तामूरा लिया, तानपुरा कंधे पर रख करके पीछे पीछे आया। निधिवन में जब पहुंचा, साष्टांग दंडवत भी किया, भारत का सम्राट था वो, और उसके अंदर अहंकार उस समय नहीं था बिल्कुल भी, एक संत का दर्शन करने आया था। जानबूझ करके तानसेन ने एक राग गलत गा दिया, उसको शुद्ध कराने के लिए हरिदास जी महाराज जब गाने लगे तो संपूर्ण वातावरण झंकृत हो गया उस राग के द्वारा, और रोमांच होने लगा, पसीने छूटने लगे अकबर के, और वो फिर वाह वाह उसके मुंह से निकल पड़ा। हरिदास जी ने पूछा ये कौन है, तानसेन ने कहा ये भारत का बादशाह है अकबर। फिर चरणों में दंडवत करते करते ही आया और प्रार्थना किया, गुरुदेव मुझे कुछ सेवा दीजिए। वो समझ गए इसको अहंकार है इतने बड़े राजा होने का। उन्होंने कहा जाओ धीर समीर घाट के एक सीढ़ी का एक कोना टूट गया, उसको बनवा दो। राजा हंसने लगा, बोला महाराज हमसे तो 200-400 घाट बनवाइए, आप एक सीढ़ी के एक कोने को मरम्मत मुझसे करवा रहे हैं। बोले जाकर देखो तो सही। और जब वो पहुंचा तो तानसेन के हाथ में दी हुई रज जो गुरुदेव की थी उसके सिर पर डाली गई, तुरंत उसको एक क्षण के लिए दिव्य वृंदावन का दर्शन हुआ, और वो आकर के चरणों में पड़ा हरिदास जी के और बोला मेरी सारी बादशाहियत बिक जाए तब भी वो सीढ़ी का कोना मैं नहीं बनवा पाऊंगा, उसमें तो अनंत कीमती दिव्य रत्न और मणियाँ लगी हुई हैं। बोले ये वृंदावन का स्वरूप है, तुम मिट्टी देखते हो लेकिन ये मिट्टी नहीं है। बोला महाराज मेरे लायक सेवा बताइए जो मैं कर पाऊँ, मैं आपके वैभव के सम्मुख कुछ भी नहीं हूँ, बहुत छोटा हूँ मैं। बोले अच्छा जितने यहाँ पर साधु भिखारी बंदर मोर जीव जंतु चिड़िया और गाय और बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं उन सब की सेवा किया कर, लेकिन मुझे आकर के इस तरह से बाधा मत डालना। तू अपने नौकरों से ये सामान रोजाना भोजन का भंडार का भेजा कर। बांके बिहारी के चरणों के मुहरों का भंडारा अलग होता था और अकबर के द्वारा भेजे हुए सामान का भंडारा अलग हुआ करता था। जंगल में मंगल होता था, अपार विशाल विशाल भंडारे होते थे महाराज जी के सामने। मंदिर बांके बिहारी का तो बाद में बना है, उस समय निधिवन में ही ये सेवा कार्य चलता था और बहुत भक्त और संत लोग आया करते थे। बहुत सारी लीलाएं हैं इनकी, तानसेन और बैजू बाबरा की भी बहुत सारी लीलाएं गुरुदेव के श्रद्धा भाव के शक्ति भक्ति से संबंधित हैं, उन सबको यहाँ विस्तार से तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन फिर भी आप ये समझिए कि महाराज हरिदास जी के अंदर जो शक्ति थी उसको सामान्यतः लोग जान नहीं पाते थे। एक लीला मैं अभी आपको सुनाता हूँ। एक बार ओरछा नरेश मधुकर शाह जी महाराज जी के चरणों में पढ़ करके बहुत प्रार्थना करने लगे कि मुझे ब्रजवास दे दीजिए, मैं अब राजा का कार्य नहीं करना चाहता हूँ। किंतु हरिदास जी महाराज ने सोचा कि सारी जनता वहाँ की ओरछा की महाराज के द्वारा पालित पोषित है वो अनाथ हो जाएगी, इसलिए उन्होंने कहा तू चिंता मत कर, तू घर चला जा, तुझे हर जगह वृंदावन का ही दर्शन होगा। तो मधुकर शाह जी घर गए तो वृंदावन का दिव्य दर्शन उनको घर तक होता चला गया, ऐसी शक्ति थी हरिदास जी महाराज की। एक बार एक व्यक्ति को पारस मिला था, पारस मणि 12 वर्ष के लिए, और भगवान शंकर ने कहा था ये बाद में अंतर्धान हो जाएगी मणि, इसलिए तुम टाइम के पहले किसी को दे देना और देना उसको जो न लेवे। तो सब लोग दौड़ते थे मणि लेने के लिए, हरिदास जी महाराज ने बिल्कुल मना कर दिया, तो हरिदास जी को देने लगा शंकर जी की बात बताकर। उन्होंने कहा यमुना में फेंक आओ, यमुना में फेंकवा दिया। बाद में वो एक दिन साधु तो बन गया वो मणि वाला व्यक्ति, लेकिन एक दिन उसको मन में आया कि बाबा ने फेंकवाया क्यों। बोले एक मुट्ठी रज उठा ले आ वहाँ से, रज उठा के लाए, बोले हर कण पारसमणि है और परीक्षा करना हो तो करके देख ले।
परीक्षा करके देखा तो यमुना जी का हर कण पारस मणि था। ऐसी अद्भुत शक्तियाँ थी उनकी। उनके चरित्र को बहुत संक्षेप में सुनाया गया श्री राधे राधे।